Good evening everyone. We'll start the lecture within two minutes. गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन अच्छा आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके नोट्स का पेज नंबर 31 पे आ जाओ पेज नंबर 31 पे आ जाओ इंडियन एथिकल प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैं भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे ओके okay. चलो विल स्टार्ट एवरीवन अच्छा मुझे बताओ हम लोग ने कल एथिक्स किया था बराबर एथिक्स का डेफिनेशन मैंने बताया क्या था एक रिवाइव करते हैं बेसिकली एथिक्स क्या होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स कल का अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोग ने बैठा होगा तो आपको पता होगा मैंने बताया एथिक्स के बारे में बताया आपने पढ़ा मुझे बताओ व्हाट इज एथिक्स एथिक्स क्या होता है क्या होता है एथिक्स डिसाइडिंग बिटवीन वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग बराबर है कोई चीज हो सकता है हमारे लिए सही है पर सामने वाले के लिए गलत है बराबर है और कोई चीज हो सकता है उसके लिए सही है पर अपने लिए क्या है गलत है एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर बराबर है हमने बहुत सारी फिलोसॉफीज भी की ओके आई होप आपने सबने ये किया होगा अब हम लोग है ना एक स्टेप आगे जागता है एक स्टेप आगे आता है कि कंपनियों में अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं आप जब अगर किसी कंपनी में खुद भी शायद काम कर रहे होंगे या आपको कुछ नॉलेज होगा कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें एथिक्स की जरूरत है आपके हिसाब से विच आर डिपार्टमेंट्स जिसमें आपको लगता है कि एथिक्स की जरूरत होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन कंपनीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन कंपनीज आप भी रिप्लाई करते रहो तो मजा आएगा यस फाइनेंस स्नेहा वेरी गुड फाइनेंस और और कौन सा डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट कोमल वेरी गुड और कंपनी में और कोई डिपार्टमेंट फाइनेंस होता है सेल्स होता है और कौन सा होता है एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट वेरी गुड मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स है आपके बुक में पांच डिपार्टमेंट्स दिए हुए फाइनेंस दिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पांच अलग अलग डिपार्टमेंट आपको बुक में दिए हुए पांचों में से कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और उन पांचों में एथिक्स का क्या रोल है वो हमको देखना है सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आपको सबको दिखाई दे रहा है सब कुछ एवरी वन एवरी वन दीडियो इज क्लियर एंड द ऑडियो इज क्लियर यस ओके वेरी गुड अब एथिक्स इन मार्केटिंग अब एथिक्स इन मार्केटिंग करने से पहले मुझे बताओ मार्केटिंग क्या होता है वॉट इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मार्केटिंग हा मार्केटिंग को लेके आप लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है मार्केटिंग क्या होता है व्हाट इज ये रिगार्डिंग मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग इज डन टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी मार्केटिंग इज डन टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कंपनी बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हम लोग हायर करते हैं कि हम लोग को इंक्रीज करें सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप देखो ना बहुत जगह पर मार्केटिंग कैंपेस चलते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं कंपनी की एडवर्टिजमेंट करते हैं सेल्स प्रमोशन करते हैं बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो अपनी दवाइयों को मार्केटिंग करती है डॉक्टर्स के थ्रू केमिस्ट के थ्रू तो आप क्या कर रहे हो अपना सेल्स इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हो करो कोई इश्यू नहीं है पर जब आप सेल्स कर रहे हो बराबर मार्केटिंग कर रहे हो उस समय आपको देखना है कि कहीं पे भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो आपकी मार्केटिंग सही हो आप फॉल्स मार्केटिंग ना करें जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है वो मार्केटिंग करते समय रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखें। तो हम लोग को यही देखना है कि मार्केटिंग में आज के समय एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है अगेन इट इज नॉट कंपलसरी। पर एज अ कंपनी अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है और सक्सेसफुल चलना है तो आपको मार्केटिंग में एथिक्स लाना पड़ेगा ओके सीधे एथिकल मार्केटिंग इज लेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी And more of a philosophy that informs all marketing efforts. It seeks to promote very important. What it seeks to promotes honesty. It seeks to promotes honesty, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए ऑनेस्टी होनी चाहिए फेयरनेस होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मार्केटिंग करो पर उसमें क्या होना चाहिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी होना चाहिए फेयरनेस होना चाहिए और रिस्पॉन्स ऑनेस्टी एड जो भी कर मार्केटिंग कैंपेन करो वो ऑनेस्ट होना चाहिए फेयर इट इज फेयर टू ऑल कुछ भी उसमें गलत नहीं है ट्रांसपेरेंसी जो प्रोडक्ट बना रहे हो कुछ भी अगर हम लोग क्या करते हैं एडवांटेजेस तो सब बताते हैं कंपनी प्रोडक्ट के बारे में उसके डिसएडवांटेज के बारे में कोई भी बात नहीं करता तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना है बराबर है कि भाई अगर इसके ये एडवांटेजेस है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आपने बहुत बार फेयरनेस क्रीम देखी होगी उसके बारे में पर एडवांटेज तो सारे बता देते हैं पर डिसएडवांटेज कौन बताएगा उसका कि भाई उससे पिंपल्स होता है ये हो जाते है मैं आपको एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का एग्जाम्पल देता हूँ आपको पता है पहले सेट वेट जेल आता था जेल करके बालों में लगाते थे वो हीरो एंडोर्समेंट भी करते थे आपके बाल सेट हो जाएंगे अरे बाल सेट तो हो जाएंगे पर आपने ये नहीं पता है कि भाई उससे हेयर फॉल भी हो सकता है ये आपको कौन बताएगा तो मार्केटिंग करते समय मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है क्लियर okay? इतना समझ में आया एवरी वन सो नो इतना समझ में आया आपको यस एवरी वन इतना सबको समझ में आया ओके okay. अब मार्केटिंग करते समय कौन कौन सी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है यस yes, एवरी मार्केटिंग करते समय ये ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन शेयर कॉमन स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो उसमें कोई भी आप फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करोगे आप प्रोडक्ट बेचो कोई इश्यू नहीं है उसकी मार्केटिंग भी करो कोई इश्यू नहीं है और कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करोगे अगर आपको अभी पता हो रिसेंट में आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट में सबसे फेमस कंपनी कौन सी है बेबी प्रोडक्ट्स में कैन यू नेम इट बच्चों में बेबी प्रोडक्ट्स में सबसे फेमस कंपनी कौन सी है यस वेरी गुड हर्ष जॉनसन एंड जॉनसन बहुत सारी कंपनी में बैन हुआ इंडिया में भी बच्चों को कैंसर के केसेस आए तो आप कौन सा ऐसा एलिमेंट यूज कर रहे हो जिसकी वजह से ये हो रहा है तो आप सही बातें बताओ बराबर है वरना कंज्यूमर का नुकसान आपके प्रॉफिट के चक्कर में किसी और का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये रिसेंट केस में आया था मार्केटिंग प्रोफेशनल्स अबाइड बाई द हाइस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ पर्सनल पर्सनल एथिक्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मतलब मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कौन होते हैं आजकल एमबीए में भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ ये एमबीएन मार्केट वाले बहुत सारे लोग किसमें पता है रियल इस्टेट में अब आप रियल इस्टेट वाले के पास जाइए आप उसको मेरे को घर लेना है आप वो सब आपको पॉजिटिव पॉइंट बता देगा अरे तीन साल में तो मार्केट में रेट डबल हो जाएगा इतना रेट मिलेगा आपको इतना रेंट मिल जाएगा ये सारा पर उसके जो लूप होल्स रहेंगे अब बोले दो साल में पोजेशन मिल जाता है कितनी बार तीन तीन चार चार साल हो जाता है पोजेशन मिलता ही नहीं है बिल्डर्स भी अपने मार्केटिंग करिए पर रेरो को फॉलो तो करिए आपको सही बात बतानी है अगर कोई लिटिगेशन है कोई प्रॉब्लम है तो वो चीजें आप उनको बताइए कंज्यूमर को तो मार्केटिंग करते समय ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट इज क्लियरली डिस्टिंग एड अलग है आप एंटरटेनमेंट अलग है मार्केट शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट हु दे पे टू एंडोर्स प्रोडक्ट्स कभी कभी सेलिब्रिटीज होते हैं वो मार्केट में प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ दो तीन साल पहले ना कपिल शर्मा के शो में आलिया भट्ट आई थी आपने शायद वो एपिसोड भी देखा होगा और इसकी एक रील भी बहुत वायरल हुई थी तो उसको कुछ कॉफी दिया था बराबर है कॉफी जैसे सिर्फ कॉफी का लेना तो जोर से चिल्लाई अरे इसमें शुगर है इसमें शुगर है मैं शुगर नहीं पीती और शुगर के बारे में बहुत सारा गलत भी उन्होंने बोला अच्छा आप भी एक तरफ तो ये सब बोल रहे हो और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो पता है आप फ्रूटी की ऐड कर रहे हो हाँ आप कैडबरी की ऐड कर रहे हो तो उसमें शुगर नहीं आता है खुद शुगर नहीं लेते और दूसरों को बोलते शुगर पियो फ्रूटी पियो कैडबरी खाओ कितना बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है खुद चीजें हम लोग यूज नहीं कर रहे पर दूसरों को वो एंडोर्स कर रहे गलत है कि नहीं है तो भाई मार्केटिंग प्रोफेशनल से इनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिली बनती है कि नहीं जो आप खुद यूज नहीं करते आपके लिए खुद के लिए आप अच्छा नहीं मानते हो तो उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो तो ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है कंज्यूमर शुड बी ट्रीटेड फेयरली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेचर ऑफ द कंज्यूमर चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आप स्पेसिफिकली के पकड़ में जब मार्केटिंग करते क्लियरली तो बताओ कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कितनी सारी गोलियां जो यूएस में बैन है इंडिया में इजिली अवेलेबल है तो एथिक्स क्या है मार्केटिंग मार्केटिंग करते है। करते हैं बिजनेसमैन सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं तो ये चीजें आप लॉन्ग टर्म तक आप कंपनी को सर्वाइव नहीं नहीं कर पाओगे क्योंकि लोगों का ट्रस्ट आपसे निकलता जाएगा आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल यस यस ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है आपको सात या आठ मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल येसो नो अगर समझ में आया मैं आगे बढ़ता हूं फिर Yes? ओके okay. अब दूसरा एक्सपेक्ट है एथिकल इश्यू इन एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग हम लोग डे बाई डे एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट आप कहा देख सकते हो एडवर्टीजमेंट के सोर्सेस क्या है एडवर्टीजमेंट कहां आप देख सकते हो आप टीवी पे एड्स आती है आजकल तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे यूट्यूब करते हो उस टाइम पे भी एड्स आती है बराबर रेडियोस पे एड आती है हर जगह पे हम लोग आईपीएल चल रहा है आईपीएल चल किसके बेसिस पे एड्स के बेसिस पे चल रहा है बराबर है 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 बराबर और करता क्या क्या का रोल इट इंड्यूस द कस्टमर टू बाई द प्रोडक्ट हम लोग एड्स में ऐसी चीजें बताते हैं जो कस्टमर को इंड्यूस करता है टू बाई द प्रोडक्ट तो आप जब ऐड कर रहे हो कोई ना नहीं है ऐड करना आप पेमेंट कर रहे हो लीगल है ऐड करना कोई गलत नहीं है पर ऐड करते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए और इंडिया में तो एड्स का लेवल बहुत नीचे इंफॉर्मेशन जानने से जब मिस इन्फॉर्मेशन कस्टमर को ज्यादा देते हैं तो एड करते समय भी उस एड में एथिकली आपको एड करना है ना उस एड में क्या क्या एथिक्स आपको फॉलो करना है ये देखते हैं पहले एडवर्टीजमेंट कॉन्सिट ऑफ वायरल स्ट्रीम अमॉन्ग THE अमॉन्ग द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ बिजनेस इट बींग मेजर ड्राइवर ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेट प्रमोशन फॉर पुशिंग सेल्स इन टूडे हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरमेंट सेल्स एंड स्पेशली एडवरटाइजिंग आर टू फॉर्म्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सटर्नल नेटवर्क फॉर्म्स तो बहुत सारी कंपनी है आज एड का वे लेती है एड कॉस्टली कितने आप एक दो मिनट का एड देखो उसको करोड़ रुपीस आपको उसको प्लेस करने के लिए लगा, लगाना पड़ता है एक एक मिनट है। है। तो कर सेल्स करने के लिए कर रहे हो। तो उस सेल्स करते समय, करते समय कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए हमको देखनी है एथिकली आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सीधे वलगरिटी ऑप्शन सिटी यूज टू गेन कंज्यूमर अटेंशन कभी कभी है ना

आप क्या कर रहे हो वर्गरिटी को प्रमोट कर रहे हो तो आपके एड्स के थ्रू वर्गरिटी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होनी चाहिए आप एक्स का देखो बहुत सारे कंट्री में एक्स के एड को बैन भी किया हुआ है है कि भाई आपका का ऑब्जेक्टिव क्या है? और आप बताना क्या चाह रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एड्स में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड डिसेप्शन इंफॉर्मेशन सही नहीं देते जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दू मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं गार्नियर करके एक है बराबर है उसको so, क्या बोलते हैं कुछ होता नहीं है जो जो एजेंसी है उन्होंने उस पर बैन भी लगाया था भाई पेनल्टी लगा के आप कहा बोल रहे हो गारने लगाने से नाइनटी नाइन परसेंट पिंपल्स नहीं होंगे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो मिसलीडिंग दे रहे हो कभी कभी स्टैटिस्टिक्स से लोग गलत देते हैं बीच में एक डॉक्टर का किधर आया था ट्रस्ट ऑफ ट्वेंटी अरे उसको डॉक्टर बन के ही पांच साल हुआ है और आप क्या लिख रहे हो ट्वेंटी फाइव का ट्रस्ट है तो आप क्या कर मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हो गलत स्टैटिस्टिक्स बता रहे हो बराबर है तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए बराबर है पफरी प्यूफरी प्यूफरी मतलब एग्जाग्रेटेड एड बड़ा चढ़ा के एड दिया जाता है बड़ा चढ़ा के बड़ा चढ़ा के मैं आपको बताता हूं सलमान खान का कह रहा थम्सअप वो थम्सअप पीने के लिए पहाड़ों पे जाता है यहां वहां भागता है एक पंद्रह रुपए के बोतल के लिए आपके ये स्टंट यंगस्टर्स देखते हैं और भाई इतना क्यों मेहनत जानना है दुकान पे जा पंद्रह बीस रुपया ले और थम्सअप ले लेना खरीद के उसके लिए इधर इधर जाने का क्या जरूरत है मतलब ओवर द टॉप चीजें आपको एग्जाग्रेट करके बताई जाती है तो वो एडवर्टीजमेंट क्या है वो सही एडवर्टीजमेंट नहीं है वो गलत है बराबर है आप जो है, आपके पड़क में जो चीज है वो बताओ ना उसको आप बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो एग्जाग्रेटेड एड्स क्यों बता रहे हो आप रेशियल इश्यू ना सही रेशियल इश्यू एक बहुत है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रेशियल इश्यू फेर एन लवरी ने भी फेयर एन ग्लो कर दिया अपना ना ऑब्जेक्शन आने का उसकी एक एड है जिसमें एक लड़की है ना इंटरव्यू के लिए जाती है तो कुछ रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उसका कलर क्या होता है सावला होता है बराबर है फिर वो मतलब फेयर एंड लवली लगाती है बराबर है। वो सात दिन में उसका कलर भी फेयर हो जाता है वो इंटरव्यू के इंटरव्यू पास भी होते हैं मतलब जो डिग्री बिग्री ले रहे हैं हम एमकॉम कर रहे हैं हम सब पागल है हम फेयर एंड लवली लगाए और आपको जॉब मिल जाएगा अच्छा बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है बात पूरी रेशियल है क्यों रेशियल है मतलब आप क्या प्रमोट कर रहे हो कि उसी को जॉब मिलता है जो गोरा है जो काला है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है अमेरिका के भाई प्रेसिडेंट एक ब्लैक पर्सन बन गया बैरिक ओबामा और आप किस टाइम पे रह, रह रहे हो और क्या चीज प्रमोट कर रहे हो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था वो एडको एड्स को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए बिकॉज ये क्या समाज पे गलत इंपैक्ट आता है आपका कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट एल्कोहल गेमलिंग टबेको अब ये बहुत जगह पे ये कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट जैसे रॉयल चैलेंज विस्की ब्रांड आता है कि भाई वो पीने से बड़ा आदमी बन जाते हैं बराबर बीच में एक दो सेलिब्रिटीज ने एक टबैको का कोई था बराबर है अजय देवगन करते हैं बोलो, बोलो जुबा केसरी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को क्यों प्रमोट करना है थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स फॉलो करते हैं और आप चलो सेल भी एडवर्टीजमेंट भी करो एडवर्टीजमेंट किस तरीके से बता रहे हो कि भाई सक्सेसफुल लोग जो भी होते हैं ना वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते, तो आपको देखते, आपको करते। तो ये ऐसी में नहीं होनी चाहिए आई होप समझ में आया एवरी वन इज इज क्लियर ये क्लियर इतना सबको समझ में आया सारे एग्जाम्पल्स क्लियर थे ये सो नो ओके okay. तो एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में एथिक्स का क्या रोल है आई होप सबको समझ में आ गया यस ओके एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट से क्या समझते हो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक डिपार्टमेंट है जो कंपनीज के एम्प्लॉय के साथ डील करता है ह्यूमन रिसोर्स कंपनी की ट्रेनिंग सॉरी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो कंपनी की प्लेसमेंट इंटरव्यूज फिर उनकी ट्रेनिंग किसका प्रमोशन होगा किसका क्या डिपार्टमेंट होगा इट्स एवरीथिंग टेकन केयर बाय ह्यूमन रिसोर्स आज के टाइम में तो यू का कंपनी में डिमांड भी बहुत है अच्छी प्लेसमेंट्स भी मिल रही है एचआर जॉब का काफी ज्यादा डिमांड है हर कंपनी में एचआर आपको देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कंपनी का तो जब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम करता है डेली बेसिस पे एम्प्लॉय से डील करता है जब वो प्लेसमेंट करता है उनको ट्रेनिंग देता है प्रमोशन करता है ट्रांसफर करता है डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं सीनियर्स जूनियर्स मिलकर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप इट्स अबाउट ह्यूमन रिसोर्स तो उस समय एथिक्स का क्या वैल्यू है रिसोर्स डिपार्टमेंट में एथिक्स का क्या क्या वैल्यूमन रिसोर्सनेटिंग एपो से कर रहे हो तो आपको लोगों में भी तो एथिकल वैल्यू डालना पड़ेगा अगर आप खुद एथिकल नहीं हो तो आपके ऑफिस में आप स्टाफ से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते होनेजमेंट कवर्स एथिकल इश्यूजिंग अराशनशिप ड्यूटीज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय तो अब ह्यूमन रिसोर्स में एथिक्स का कहां का जरूरत है आपको क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए एक एक करके हम लोग देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन इश्यू आज भी हमारे वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है आज भी जाति के बेसिस पे रेस कास्ट क्रीड रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है आप एम्प्लॉइज को लो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट हाँ प्रोफेशनल डिग्री हो सकता है टैलेंट हो सकता है स्किल्स हो सकता है उसको छोड़ के कोई भी ग्राउंड नहीं होने चाहिए किसी को लेने के लिए या किसी का प्रमोशन करने के लिए कुछ आपने टॉप क्लास की जो आपके वहां पे टॉप एग्जीक्यूटिव जो है उसके लिए आपने रिजर्व करके रखा हुआ है चीजें कि भाई ये कास्ट की या ये मैंने जान पहचान का वो लोग यहां पर बैठेंगे बाकी लोग अगर टैलेंटेड भी भी है तो भी उनको मौका नहीं मिलेगा यस एक्सपीरियंस कैन बी वन ऑफ तो आपको जॉब प्रोफाइल में ट्रांसफर में प्रमोशन में कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इट इज नॉट इंडिया में इट इज नॉट ओनली कास्ट इट इज अब जेंडर हम लोग कभी कभी देखा गया पीपल फील अनकंफर्टेबल अगर बॉस फीमेल है तो फिलील अनकंफर्टेबल टू वर्क आज भी एक इंडियन मेल का माइंड सेट डिफाइन इट अम्फर्टेबल टू गेट ऑर्डर फीमेल हाँ बहुत हद तक अपने टाउन साइड में या सिटीज में ये टेंडेंसी चेंज हुई है, पर आज भी हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते ये आज भी इंडियन के रूट्स में है ये माइंडसेट चेंज करना जरूरी है ओके तो डिस्क्रिमिनेशन इश्यू डिस्क्रिम ऑन द बेस ऑफ एज जेंडर रिलीजन ड्रेस डिसबिलिटीज वेट

सेक्सुअल हेरेसमेंट अभी भी बहुत जगह पे चीज होता है और कंप्लेन बाहर नहीं आती अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट कर देते हैं मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा पर एक बहुत बड़ी कंपनी थी उसका बंद जो बॉस था वो कहीं पे वो लोग एक जगह पार्टी करने गए थे फीमेल एम्प्लॉय से मिसबिहेव किया था बराबर है अगले दिन जाके उससे सॉरी बोला और बोला कि भाई मैं अपने आप को रिजाइन करता हूं कंपनी से एक महीने के लिए अरे आप क्या रिजाइन करते तो इतना बड़ा इश्यू हो गया है कंपनी में उस लेडी ने कंप्लेन किया उसको भाई जेल हुआ था बराबर है आप हेरेसमेंट आज भी बहुत नॉर्मल चीज है और अभी हमारी देव अभी माइंड सेट लोग कंप्लेन भी नहीं करते इसके लिए कमिटी होनी चाहिए कि भाई अगर ऐसा कोई रिपोर्ट किया दैट पर्सन शुड बी बिहाइंड द बास और बहुत सारे इंडिया में आज भी सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस आते हैं रेजिग्नेशन उसका सोल्यूशन नहीं है अ स्टेप शुड बी टेकन अगेंस्ट सच पर्सन Affirmative, positive actions लेने चाहिए. चाहिए. का मतलब है है, को को भी भी मिलना चाहिए. अगर देखो employees है, उनमें भी एक union होता है, तो employer को उसको क्या देना चाहिए एक rights देना चाहिए. बराबर उनकी बातें भी सुननी चाहिए एम्प्लॉयर बोलेगा मैं जैसे बोलू वैसे होगा नहीं आपको एम्प्लॉय का भी प्रॉब्लम में लेना चाहिए आई होप इतना क्लियर है एवरी बराबर है पर पूरे दिन आप कभी कभी तो क्या करते पता है वीडियो तो लगाते ऑडियो भी लगा देते हैं बंदे का प्राइवेसी खत्म हो जाएगा तो आपको ये सब चीजें एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखनी चाहिए सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स सेफ्टी मेजर्स हेल्थ मेजर्स मुझे एक बात बता सकते वर्ल्ड में अगर कोई एक दो कंपनी का नाम लेना है आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट वर्किंग एनवायरमेंट देती है अपनी एम्प्लॉइज को वर्किंग एनवायरमेंट सेफ्टी मेजर्स वर्किंग वन ऑफ द बेस्ट पूरे वर्ल्ड में किसी एक दो कंपनी का आपको नाम लेना तो आपके हिसाब से कौन सी होगी टाटा और कोई यस नूगल गूगल गूगल का ना यूट्यूब मैंने बहुत पहले भी देखा था आप सिर्फ देखना हाउ गूगल ट्रीट्स इट एम्प्लॉय इट्स अ ड्रीम ऑफ द एम्प्लॉय टू वर्क डेट ब्रेकफास्ट ये वो फैसिलिटीज वर्क कल्चर हम लोग वर्क फ्रॉम होम तो आज समझ है लॉकडाउन के अद्वार पहले से वो कंसेप्ट चल रहा है तो क्या होता है एम्प्लॉय फील कंफर्टेबल पीपल ऑल अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वांट्स टू वर्क देयर बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉय सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी वर्कर्स आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट साइड पे अगर हेड्स रिक्वायरमेंट है ग्लैर्स की रिक्वायरमेंट की है वो प्रॉपरली प्रोवाइड करना चाहिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी

उसने देखा कि भाई ये लोकल एरिया में जो कॉन्ट्रेक्टर है ना जो लोग रोड बनाते हैं उसमें बहुत धानली करते हैं मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या करते हैं लोग मिलावट करते हैं करप्शन करते हैं तो इसने जब रोकना चाहा ना तो कोई रुक नहीं रहा था बराबर है तो इसने क्या कहता प्राइम मिनिस्टर को एक मेल लिखा और बोला कि भाई ये मेरा नाम सीक्रेट होना चाहिए आपको पता है वो लेटर लीक हो गया उन कॉन्ट्रेक्टर्स ने उस इंजीनियर को मार डाला ये रियल केस है ये रियल केस है उसको मार डाला शूट कर दिया उसको तो भाई अगर एम्प्लॉय कोई कंप्लेन कर रहा है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए उसको बोलते हैं अगर एम्प्लॉय कोई ऐसी कर रहा है यू शुड टेक केयर आपकी पॉलिसी होनी चाहिए उसका नाम लीक नहीं होना चाहिए उस बंदे का नाम लीक नहीं होना चाहिए इज इज दिस क्लियर क्लियर यस आई होप टू ऑल इतना सबको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू एवरीवन इतना क्लियर है सबको ओके इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन अकाउंटिंग फाइनेंस फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस बराबर है अकाउंटिंग जो हिसाब किताब करते हैं ना हम लोग उसमें सबसे ज्यादा एथिक्स की जरूरत है अब कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है जो लिस्टेड कंपनीज है पब्लिक कंपनी उसमें पैसा कौन लगाता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा कौन लगा रहा है yes, ये बड़ी-बड़ी जो कंपनीज इसमें पैसा कौन लगाता है किसका पैसा लगा है कंपनी तो में शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है क्रेडिटर्स बैंक्स का पैसा लगा हुआ है वो आपसे क्या चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी रहे सेफ्टी रहे कि जो पैसा हमने दिया हुआ है वो पैसा सेफ रहे उसके लिए ट्रांसपेरेंसी हो प्रॉपर ऑडिट हो उस पैसे का मिस ना हो तो ये फाइनेंस और अकाउंट्स में एथिक्स होना बहुत जरूरी है एथिक्स होना बहुत जरूरी है अब कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है और कौन कौन सी चीजें हो रही है वो हमको देखनी है देखो पहले तो क्या है नेचर ऑफ वर्क इज क्रियड बाई द अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एथिक्स ऑडिटर वो ऑडिटर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दोजीशन हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो सही तरीके से करो एथिकल करो बराबर है बिकॉज आपकी साइन का बहुत ज्यादा वैल्यू है हम शेयर होल्डर्स आपकी साइन को ट्रस्ट करते हैं आप जब ऑडिटेड बैलेंस शीट साइन करते हो तो हमको भरोसा आता है हाँ इस कंपनी में सब कुछ सही है हिसाब पूरा सही है तो वहां एथिक्स होना बहुत जरूरी है शेयर होल्डर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलाई हेविल ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एस कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू मेक प्रॉपर डिस्टेंस रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स तो अकाउंटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचो कितना है जिन्होंने पैसा डाला है वो भी भरोसा कर रहे हैं और जो फ्यूचर में पैसा डालने वाले वो भी ऑडिटर्स का भरोसा कर रहे हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने ऑडिट किया है अकाउंटेंट ने चेक किया है तो बराबर होगा तो कौन कौन सी चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए एक एक करके देखते हैं। देखो अनएथिकल प्रैक्टिसेस आजकल कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है मिसयूज ऑफ फंड्स शेयर होल्डर का पैसा क्यों लिया भाई आपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लिया एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ के लिए अच्छा पैसा बिजनेस के नाम पे लिया और आप क्या कर रहे हो इन्वेस्टर के पैसे से नई गाड़ी ले रहे हो अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था मेरा अशील ग्रोवर का वो एक इंटरव्यू दे रहा था उसमें उसने बोला कि भाई एक कंपनी के सीईओ का नाम मेरा फ्रेंड था मतलब जितना राउंड ऑफ फंडिंग्स था वो उस पैसों से एक नई काढ़ी लेता था मिसयूज ऑफ फंड से लिया रेस किस नाम से लिया किस नाम से किया तो बिजनेस के लिए ना तो आप पैसा तो मिस यूज करो ऑडिटर को पता ना पड़ेगा ये पैसा कंपनी के पर्पज के लिए यूज हुआ ही नहीं है अदर पर्पज के लिए तो भाई ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई यू कैन नॉट मेक योर योर ओन वेल्थ ये तो भाई शेयर होल्डर का पैसा है ये सिर्फ जो पर्पस के लिए लिया गया उस पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए तो पहला अनएथिकल प्रैक्टिस है पैसा किसी और के बता रहे हो एक्चुअली में वो ऐसा कोई प्रॉफिट है ही नहीं कभी कभी उल्टा भी होता है टैक्स बचाने के लिए हम लोग खर्चा ज्यादा बताते हैं कि टैक्स कम आए और खर्चा कम हो खर्चा ज्यादा बताते तो तो इनकम क्या होती है कम हो जाती है इनकम कम हुई प्रॉफिट कम है तो शेयर डिविडेंड भी क्या जाता है कम बहुत सारे केसेस में तो कैसा होता पता है किसकी आती है ऑडिटर ने कैसे अप्रूवल दिया ऑडिटर को बोलना चाहिए सौ एम्प्लॉय मुझे बताओ तो विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किसी को पता है इंसाइड ट्रेडिंग क्या होता है अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज देखी होगी तो उसमें टर्म ट्रेडिंग था आप आप क्या कर रहे हो कंपनी की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे ट्रेडिंग कर रहे हो यू आर ट्रेडिंग विद द प्राइस इज नॉट अलाउड मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अगर फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी या मैं मैं खुद भी क्वालिफाइड सीएस हूं तो अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट आता है या क्वार्टरली पी एन एल रिपोर्ट आता है बराबर है तो अगर रिपोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर रहा हूं तो मैंने देखा तो बट ऑफ जैसे ये अपलोड करूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पर ऐसी इन्फॉर्मेशन पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग स्ट्रिक्ट लॉ है इट इज अगेंस्ट द लॉ अब शेयर होल्डर का मजाक बना रहे हो आप क्या करोगे भाई अपने फोन कर दोगे ब्रोकर को अरे मेरा शेयर परचेस कर दे कंपनी आगे बढ़ेगा ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते अनएथिकल प्रैक्टिस है आप क्या कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल एक कोई छोटी कंपनी है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत पहले का बात है सेवन एट ईयर्स पहले का बात है एक स्मॉल कंपनी थी बराबर है उसका मार्केट में एक हवा बना दिया कि भाई ये बड़ी कंपनी से मर्ज होने वाली है एक इनसेड इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि बड़ी कंपनी से मर्ज मर्जी रूपये का शेयर था उसका टारगेट अस्सी रुपया सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया लोग देने लगे तो हवा बन गई तो लोगों ने परचेस करना चालू कर दिया तो बीस से चालीस भी हो गया शेयर तो लोगों को बोले तो कन्फर्म मर्ज होने वाला बराबर ऐसे लोगों ने लेते गए लेते गए लेते गए और जब वो बड़ी कंपनी को पास चला ऐसा मार्केट में फॉल्स चल रहा है उसने आके बोला हम लोग ऐसा कोई मर्जर इस कंपनी से करने वाले नहीं है जो शेयर 20 से अस्सी रुपया चालीस रुपया गया था आज वो एक रुपया भी नहीं है तो इससे इनोसेंट लोगों का नुकसान होता है तो आप प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते इट इज नॉट अलाउड क्लियर है आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल यस इज क्लियर इतना सबको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं ओके okay. ठीक है एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो गुड्स हम लोग यूज कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिलावट बराबर है आप प्रोडक्शन आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप मैन्युफैक्चरर हो आप गुड्स बना रहे हो और गुड्स हम लोग आप ये ट्रस्ट करके ब्लाइंडली हम लोग गुड्स सिबिली तो है जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो भी आप बना रहे हो या कभी कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए बराबर है हमने बहुत सारे अदर अदर प्रोडक्ट्स है उस गवाईयों की कंपनी है हम ब्लाइंडली आप पे फेथ कर दे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एथिकल काम करिए मिलावट नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म में उसका साइड इफेक्ट आया हम पे प्रोडक्शन

The 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 degree of permissibility or the degree of of permissibility permissibility or depend on the changing state डिग्री ऑफ परमिबिलिटी और द डिग्री ऑफ परमिश डिपेंड ऑनजिंग स्टेट ऑफ प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी और जो डेंजर है सिर्फ soft drinks हमने एक्सेप्ट कर लिया है लॉन्ग टर्म में तो वो खराबी है हमारे लिए पर हमने एक्सेप्ट कर लिया है अब कंपनी आपने बोला भाई हम बेच रहे हैं ये बताते भी है कि इतना डेंजरस चीज है बराबर है तो भी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं एक्सेप्ट कर ले तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे प्रोडक्ट से यूज नहीं करना चाहिए या प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए अब देखो क्या क्या है इसके अंदर क्या क्या अनएथिकल चीजें होती डिफेक्टिव डिफेक्टिव एडिक्टिव एंड इनहेरेंटली डेंजरस प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिलावट बराबर है लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या आप कोई ऐसा सब्सटेंस यूज कर रहे हो जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं है कभी कभी एडिक्टिव आप जो टबैको यूज करते हो एल्कोहल उसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं आपको एडिक्टिव बना देते हैं सिगरेट्स जो स्मोकर्स है उनकी हालत इतनी खराब है कितने लोग छोड़ते हैं हम लोग छोड़ देंगे पर वो सुबह उठते उनको फ्रेश ही नहीं लगता दिमाग वो सेंस ही नहीं काम करने का मन ही नहीं करता इतने वो एडिक्टिव हो गए तो कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया होगा जो एडिक्टिव है तो कंपनीज को ऐसा यूज नहीं करना चाहिए एथिकल रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड एनवायरमेंट इंक्लूड पॉल्यूशन आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स

कर पाए पर आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में या तुरंत एनवायरमेंट को हार्म करता हो एथिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग न्यू टेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जेनेटिकली आपके चिप्स बराबर है आपके जितना भी फास्ट फूड्स है बराबर है वो एक बार के लिए टेस्ट अच्छा करता है पर हम लोग को पता है लॉन्ग टर्म में आपका जो भी डायबिटीज ये सब प्रॉब्लम्स है जो मोटापा इस सब इसका रूट कॉज है जेनेटिकली मोडिफाइड फूड्स तो इसका ये सारी चीजें अनएथिकल है जो कंपनी को नहीं करनी चाहिए इज इज क्लियर यस एवरी वन इज इज क्लियर ओके ना एथिक्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट डिकेट और ये सेंचुरी पूरा आईटी पे डिपेंडेंट है पूरा आईटी का सेंचुरी और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया ना तो हम लोग का उसका यूज मिसयूज पता ही नहीं था आज जितना यूज इसका है उससे ज्यादा मिसयूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया रिसेंट एग्जाम्पल चेट जीपीटी बराबर टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि भाई उसका यूज भी है मिसयूज भी है लोगों को एक खतरा यह भी है कि भाई वो तो जॉब कहा जाएगा कंटेंट राइटिंग अब कंटेंट राइटिंग यार आप जो बोलो वो लिख के दे देता दे है बराबर आप जो बोलो सॉफ्टवेयर दे दे बराबर तो यूज़ आई टीसिड अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इट इज ऑफ टेक्नोलॉजी विच लीज टू एथिकल द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी कैन रेस क्वेश्चन ऑन एथिक्स एज न्यू प्रोडक्ट मेक रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग वन ओके, okay. तो एग्जिस्टिंग तो जाएगा अब जो नया आ रहा है उसमें क्या हो रहा है लेबर इंटेंसिव नहीं है टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव है, वो है तो लोगों का काम जा रहा है तो कंपनी को ये भी देखना चाहिए कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी को कितना लाए गवर्नमेंट को भी देखना कितना लाए जिससे लोगों का काम ना जाए पेस ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन आर एडिंग अपिशन कंप्यूटर स्क्रीन की बोर्ड प्रिंटर्स ऑलरेडी पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट मैंने बताया ना ये सारी चीजें डीकम्पोज नहीं होती है तो आई टी में बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिस है तो वो कौन कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिस वो हम लोग को देखनी है सॉफ्टवेयर पायरेसी इतना मेहनत से भाई कोई कंपनी सॉफ्टवेयर हम लोग पायरेट वर्जन देखते हैं उसका तो सॉफ्टवेयर पायरेसी एक चीज है किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया उसका हम लोग पायरेसी कर रहे हैं वायरस ही हो गया वायरस हो गया हैकिंग आज के टाइम में हैकिंग बहुत बहुत ज्यादा उसका मिस हो रहा है आज क्रेडिट कार्ड का लिंक भेज देते हैं ओटीपी आपसे पूछ लेते हैं बैंक अकाउंट पूरा का पूरा नील हो जाएगा आपका उसका सबसे अनएथिकल यूज यही है आज हम लोग को भाई कुछ नहीं पता चलता एक लिंक आया क्लिक कर दो क्लिक करके आपका पूरा कंप्यूटर या पूरा 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 का स्क्रीन या आपका मोबाइल वो पूरा कंट्रोल कर रहा है तो हैकिंग ये चीजें हो गई है जॉब डिस्प्लेसमेंट वायरसेस भी आए हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी लोगों का जॉब क्या हो रहा है कम हो रहा है इन अ कंट्री लाइक इंडिया द पॉपुलेशन सो मच वी आर ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी फाइव करोड हम लोग 125 करोड़ तो ऐसे में टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं तो हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है ओके कुकीज ये कुकीज आपको जो डिस्ट्रक्शन से आते कुकीज है हैंग भी होता है उसका मिसयूज भी काफी हो रहा है बराबर है ये सारी चीजें आईटी में क्या है अनएथिकल इश्यूज है जो कम होनी चाहिए और आईटी सेक्टर को इसमें ध्यान देना चाहिए ओके मुझे बताओ एथिकल एशियन कॉपीराइट एंड पेटर्ट प्लीज एक्सप्लेन वॉट इज कॉपी राइट पेटर्ट एंड ट्रेडमार्क किसी को यह पता है कॉपी राइट पेटेंट ट्रेडमार्क एवरी वन अच्छा ये तीनों को एक साथ क्या बोलते जो डाउट है मैं बाद में लूंगा ये तीनों को एक साथ क्या बोलते होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सी एज अ कंपनी ना अगर मैं कुछ बना रहा हूं तो मैं चाहूंगा उसका बेनिफिट मुझे मिले बराबर अभी ट्रेडमार्क की बात हो गई कैन यू गिव सम समेम ट्रेडमार्क एग्जाम्पल फेमस ट्रेडमार्क सिंबल नेम जैसे अभी हम लोग ऑडी है तो ऑडी वाला ऑडी लिखने का जरूरत नहीं है उसका जो भाई चार रिंग्स है उससे दूर से पता चलता ये है ये ऑडी है नाइकी के शूज है एक राइट से दूर से पता चल जाता है भाई ये नाइकी है तो ये ट्रेडमार्क है बराबर है और ये कंपनी ने ट्रेडमार्क क्या रजिस्टर कर रजिस्टर्ड करके गया और उसको कोई यूज नहीं कर सकता तो भाई आप अगर उस क्यों क्या होगा कंपनी उसको अगर कोई और यूज करेगा तो इन हो गया और कंज्यूमर के माइंड में क्या होगा एक भाई ये ब्रांड मैंने परचेस किया है और बाद में पता चले तो भाई कॉपी है तो कोई उसको यूज नहीं कर सकता यस इवन एप्पल बराबर एप्पल का भाई एप्पल का जो लोगो है वो बताने के लिए काफी है प्रोडक्ट का बराबर है तो ये सब क्या होगा ट्रेडमार्क हो गए ओके

IPR के अंदर आते है कंपनी ने उसकी सोल राइट ले ली अगर अब कोई और यूज करना चाहता है तो बिना कंपनी के परमिशन से वो यूज़ नहीं कर सकता अदरवाइज उस पर okay? तो तो हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म कवरिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्रॉड प्राइमरी एरियाज आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स एंड पेटेंट कॉपीराइट रिफर्स टू लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मैंने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और मैंने उसको रजिस्टर्ड किया तो लीगल राइट right है सिर्फ और सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ और कोई यूज नहीं कर सकता अगर किसी को यूज करना है तो मेरा परमिशन लेगा और मेरे को आधर रॉयल्टी पे करेगा ओके okay, तो ही मैं उसको यूज करने दे सकता विदाउट मेरी परमिशन वो यूज नहीं कर सकता कॉपी इन सिंपलेवर टर्म कॉपी राइट राइट टू कॉपी दिस मीन्स दट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट एंड एनी वन ही

सीधा आपको क्या आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई आप ये यूज नहीं कर सकते बराबर आपको नहीं यूज कर सकते वो content, वो कंटेंट कंटेंट क्योंकि क्या कॉपीराइटेड रजिस्टर्ड है उस उस सिंगर के के नाम से. आप उस के नाम से से आप आप पैसा नहीं बना सकते आप उस कंटेंट के नाम पे पैसा नहीं आपकी जो यूट्यूब की चैनल है वो बंद भी हो जाएगी और आपका मोनिटाइज भी कभी भी नहीं होगा बराबर है बिकॉज वो कॉपी कंटेंट है आप उसको यूज नहीं कर सकते एक सिंगर एक बुक का ऑथर आप एक बुक का एक बुक जो बना देता है उसको कॉपी कर देता है बराबर अब उसकी डुप्लीकेट नहीं जितनी माल मार्केट में कॉपियां बिकेगी उसका उसको पैसा मिलता रहेगा तो ओरिजिनल कंटेंट वही यूज कर सकता और कोई यूज नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू पब्लिक मैंने पता बुक डिस्ट्रीब्यूट करो आपको पैसा लाइफ टाइम मरने के बाद भी भाई उसकी फैमिली को पैसा मिलता रहेगा गाने का पैसा आज भी मिलता रहेगा डिस्प्ले कॉपीज ऑफ द वर्क इन पब्लिक परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक मैंने गाना गाया है उसको परफॉर्म मैं ही कर सकता अगर कोई और आर्टिस्ट उसको परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए भी रॉयल्टी मिलता है आप भाई मेरे गाने गा के पैसा कैसे कमाओगे ओरिजिनल कंटेंट तो मेरा परमिशन मेरे से लेना पड़ेगा आप टी सीरीज के गाने से अपने वीडियोस नहीं बना सकते क्रिएट डेरिवेटिव वर्क बेस्ड ऑन ओरिजिनल वर्क ओनली अब देखो कॉपीराइट इन्फ्रिंचमेंट क्या होता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अगर कोई बंदा बिना आपकी परमिशन से पायरेसी करता है या आपका काम चुराता है तो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं आप उस पर केस फाइल कर सकते हो पेनल्टी ले सकते हो और उसका काम क्या कर सकते हो रोक सकते हो कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट कॉपीराइट इन्फ्रिंचमेंट इज अ वायशन पायरेसी और अनऑथोराइज यूज ऑफ अ कॉपोरेट मटीरियल हम लोग सब भी तो करते हैं ना आप सॉफ्टवेयर का पैसा कहा देते हो माइक्रोसॉफ्ट को डाउनलोड आईग्री एग्री 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 करके डाउनलोड कर देते हो एक्चुअली कॉपीराइटेड वर्जन है वो ओरिजिनल तो उसके पास है आप अनऑथराइज यूज कर रहे हो उसको जो नहीं कर सकते आप ओके एन इन्फ्रिजमेंट ऑकर्स अंडर फॉलोइंग कंडीशन द ओनर मस्ट होल्ड अ वैलिड कॉपी द एल एच मस्ट बी एबल टू एसेस द कॉपी वर्क डुप्लीकेशन ऑफ कॉपी वर्क अगर मैंने कोई प्रोडक्ट कॉपीराइट करा है और आप इनलीगल तरीके से यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग इनफ्रिजमेंट बोलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते आई आई हैव ऑल द राइट टू स्टॉप यू फ्रॉम फ्रॉम इट डूइंग सो होप ये पूरा समझ में आया इज क्लियर ये पांच में से कोई भी एक चीज एग्जाम में आएगा कोई भी एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है एग्जाम में आएगा हंड्रेड परसेंट इन पांच में से एक क्वेश्चन आपको सात या आठ मार्क के लगेगा आई होप इतना क्लियर है इसके बाद ना मैं नया कंसेप्ट जा रहा हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहां तक क्लियर है ये क्लियर ओके कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस कंपनीज ने कंपनी काम कर रहा है बराबर है कंपनी बहुत जगहों से पेमेंट ले रहा है पैसा रेस कर रहा है बैंक से पैसा रेस कर रहा है क्रेडिटर से पैसा ले कर रहा है इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है एफ आई एस फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ये सारे लोग इसमें पैसा डाल रहे हैं वो क्या चाहता है कंपनी सिस्टमैटिक काम करे कंपनी को जो पैसा दिया है वो अच्छे से यूज हो मिस यूज ना हो ट्रांसपेरेंसी रहे इंटरनल कम्युनिकेशन सब कुछ बराबर रहे तब कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल चल सकता है बिकॉज अगर कंपनी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल चलेगा तो वो अपने शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देगा तो उन सब के लिए एक कंसेप्ट हमने लागू किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिक फ्रेम ऑफ वर्क

कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल द कंपनी जो कंपनी मार्केट से पैसा रेस कर रहा है कि आपके कंपनी में गवर्नेंस होना चाहिए अब गवर्नेंस सबको मिला ना ये वाला पॉइंट यस yes, आपके बुक में दिया हुआ गवर्नेंस सबको मिला है गवर्नेंस yes, सबको मिला है कॉर्पोरेट मतलब कंपनी गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट टू रेगुलेट व्हाट टू रेगुलेट द कंपनी ट गव इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ डैश रूल गाइडलाइन एंड प्रैक्टिसेसू विदर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंपनी शेयर होल्डर्स जो ओनर है वो पैसा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे है, कर रहे. Company, इनके पास है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है रूल्स रेगुलेशन वो इंप्लीमेंट भी कौन करेगा वो इंप्लीमेंट भी कौन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पैसा लिया है तो अकाउंटेबिलिटी है ना हाँ आपसे पैसा लिया है इन्वेस्टर से पैसा लिया है अब हम उसको कैसे यूज करने वाले वो सारी चीज हम मीटिंग्स के थ्रू बताएंगे आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे टेबल पे रखेंगे आप पूरा चेक कर सकते हो उसको प्रॉब्लम क्या कराएंगे ऑडिट भी करवाएंगे तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ बोल कि उसमें अकाउंटेबिलिटी ऑफ फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हो इन कंपनी रिलेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं मैंने आपको बताया स्टेक होल्डर पीपल शेयर होल्डर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सी इन अ कंपनी इन्वेस्टर्स कस्टमर मैनेजमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट इन द कम्युनिटी द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज देयर टू एनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज पैसा जो आया है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए क्वली रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डशिप ऑफ दिस रिसोर्स और कोई ना कोई अकाउंटेबल नुकसान हो गया तो भी अकाउंटेबिलिटी नहीं पड़ेगी ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे तो ये कॉर्पोरेट गवर्नें है आपको एग्जाम में कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन पक्का 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 आने वाला है क्या क्या, क्या है मैं बता रहा हूँ तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग वॉट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट इट इज रूल्स गाइडलाइंस प्रैक्टिस रूल्स गाइडलाइंस प्रैक्टिस जो आपको कंपनी में इंप्लीमेंट करना है कौन इंप्लीमेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए स्टेक होल्डर्स के लिए क्यूं? क्यों क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आई होप कॉर्पोरेट इज क्लियर सेविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं वरना यही नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे कुछ समझ में आने, आने वाला नहीं है ओके okay, हर्ष मैं एक बार फिर से रिपीट कर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस प्रोसीजर जो कंपनी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कंपनी में कि कंपनी अच्छे से चले इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए करेगा इन्वेस्टर्स के लिए स्टेक होल्डर्स के लिए कि ट्रांसपेरेंसी रही अकाउंटेबिलिटी रहे और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि कंपनी ने जो पैसा लिया है कंपनी चलाने का तरीका सब कुछ सही रहे स्कैम्स ना हो लोगों का पैसा ना डूबे ओके okay? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज दस लाने का रीजन क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेट गोल्स होल्डर सोसाइटी शेयर होल्डर आपके गोल्स आपके इन्वेस्टर्स से मैच करें इन्वेस्टर ने पैसा क्यों लगाया कि कंपनी बढ़े बराबर है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा टू अलाइन द गोल ऑफ स्टेक होल्डर विथ योर कंपनी

सी ना एवरी क्वार्टर आपको बैलेंस शीट बैलेंसल शेयर होल्डर को देना है ऑडिट की प्रॉपर कमिटी बनानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके अंदर रहेंगे अगर कुछ मिस यूज हो रहा है तो वो भी तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे टू अचीव कॉर्पोरेट गोल्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कभी कभी क्या होता तो है लोगों से हमने पैसा ले लिया बराबर है बिजनेस के नाम पे और रिस्की बिजनेस में डाल दिया एक आप एग्जांपल लेना अंबानी में भी दो है ना अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बराबर है अनिल अंबानी के बिजनेस थोड़े रिस्की थे उन्होंने पैसे डाले कंपनी बंद हो गई उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ा पर जिन शेयर होल्डर्स ने उस कंपनी में पैसा लगाया था वो कंपनियां डूब गई आर एन आर एल आरकॉम आप उनके शेयर के भाव देखो उड़ गए आपका तो शायद इतना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ वो बेचारे इनोसेंट शेयर होल्डर्स थे वो सारे उड़ चले गए मतलब आपने रिस्की डिस्टेंस लिया किसको पूछ के लिए बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप खुद हो आपकी चल रही है इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना जरूरी कि भाई गवर्नेंस होना चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए वरना ऐसे तो इनोसेंट लोग आपकी कंपनी में डालेंगे, उनका पैसा डूब जाएगा टू मैनेजर इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इन ऑर्डर एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जाम में आ सकता है। Mark this very, very important. Mark this very important. बहुत है ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क दिस क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एवरी वन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हो. अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने का इंपॉर्टेंस क्या है चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर आपको ये समझ में आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न एवरी वन मेरे को यह बताओ आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में आता है क्या आपने कभी किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया टेक्निकल थोड़ा आप मुझे बताओ तो मैं आपको समझा दू डिटेल में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में आता है क्या Yes, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ में आता वॉट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न सी शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब यह है कि आपकी कंपनी के शेयर किस किसने परचेस किए तरह सर्टन कैटेगरी जैसे अगर हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डिंग होती है तो मेजोरिटी ऑफ द शेयर आर ऑलरेडी ओन बाय होम प्रमोटर जिसकी कंपनी है फिर उसके बाद ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं से funds, LIC अपना पैसा किसी कंपनी में फॉरन इंस्टीट्यूशन की हम तो रिटेल इन्वेस्टर हम क्या लेते हैं सौ हजार दो हजार तीन हजार शेयर वो लाखों में शेयर लेते हैं तब जब अगर किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी बाहर की कंपनी ने आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है बड़ा एफ फॉरेन ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई आई उसको बोलते हैं इन्वेस्टर जब ये तक अगर आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है प्रॉपर रूल्स नहीं है प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटी नहीं है प्रॉपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है ऑडिट कमिटी नहीं है तब तक हम लोग पैसा डालने वाले नहीं है तो आज के टाइम में अगर आपको पैसा बड़ा लेना है बाहर से तो ये लोग एम्फोसाइज करेंगे कि आपके कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए पेज नंबर है पेज नंबर सी दिस इन रीसेंट या ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी आज के टाइम में ओनरशिप बहुत चेंज हुआ है ओनरशिप में क्या आ गया बहुत जगह पे बड़े बड़े पैसा डाल रहे रहा बड़ी कंपनी क्या बोल रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड आपकी एल आईसी क्या करती है आपका पैसा अपने पास तो ना रखती है बैलेंसशीट में वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है एक्सेट्रा सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज सो दे फोर्स मैनेजमेंट टू यूज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये लोग फोर्स करते नहीं तो हम लोग पैसा डालने वाले नहीं है तो भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आपको लाना ही पड़ेगा सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी now directors of the company have to protect the rights of the stakeholders aapke shareholder ho gaye shareholder ko time pe dividend milna chahiye unke meeting ka notices unko milna chahiye creditors ka meeting time pe hona chahiye unko time pe interest milna chahiye government ko taxes milna chahiye to bhai director का ये responsibility corporate governance गवर्नेंस के थ्रू इन सब का सोशल रिस्पांसिबिलिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए

भाई गवर्नमेंट भी एकदम वो हो गया भाई ये कैसे हो गया कोई स्कैम आप मुझे बता सकते हो कोई एग्जांपल स्कैम का इंडिया में, में स्कैम इट इज़ वेरी वेल पर कंपनी स्कैम नहीं था वो अलग स्कैम था विजय माल्या का स्कैम हुआ यस नीरव मोदी गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरीज ये रिसेंट है मैं आपको एक स्कैम बताता हूँ जिसकी वजह से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना पड़ा या ऐसे स्कैम्स की वजह से शायद आपको नहीं पता होगा सत्यम कंप्यूटर्स सत्यम कंप्यूटर्स एक आई कंपनी थी आई टी थी बराबर उसमें राजू रामलिंगन उसका डायरेक्टर था प्रमोटर उसने क्या किया पता है, बहुत स्मार्ट आदमी था शेयर होल्डर की थे बैंड बजा दी उसने ऐसे लोगों के से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है उसने क्या क्या पता है? सालों से ना प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करता था अगर समझो सौ रुपया प्रॉफिट है ना तो हजार रुपया बताता था

तो भाई उसने क्या क्या ऐसा चार पांच लगातार साल तक ऐसा क्या बढ़ाते गया और जैसे शेयर का प्राइस बढ़ते गए ना खुद ने क्या क्या बताया मार्केट में अपने शेयर क्या कर दिए बेच दिए तो भाई मोटा मुनाफा कमा लिया बराबर है मोटा मुनाफा क्या कर दिया कमा लिया बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला भाई साहब ये तो क्या कर रहा है इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट बता रहा है कंपनी में इतना प्रॉफिट है ही नहीं ये जानबूझ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बता रहा है स्कैम हो गया अब क्या हो गया जो सौ रुपए का कंपनी का शेयर था वो पांच रुपया हो गया अब आपने तो पैसा निकाल दिया जो इनोसेंट शेयर होल्डर था जो प्राइस बढ़ के देख रहा था प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी और भी आगे जाएगा सौ रुपए में जिसने शेयर लिया था वो तो रोड पे आ गया ना आपके स्कैम है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसने चेक ही नहीं किया अच्छा इसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं थी भाई उसने तो स्कैम किया ऑडिटर कौन था ऑडिटर को देखना चाहिए था ना कंपनी का प्रॉफिट कैसे आ रहा है उसने कैसे साइन कर दिया इंडिया की टॉप फोर में से एक फॉर्म थी वो एक्शन हुआ शायद अभी वो बेल पे है और इतना बड़ा स्कैम किया इससे हुआ क्या वो तो भाई बेल से भी बाहर आ गया बेल लेके जो इनोसेंट शेयर होल्डर्स थे वो तो बर्बाद हो गए उन्होंने शायद लाइफ टाइम की पैसा लाला हुआ वो मार्केट में बर्बाद हो गए ऐसे स्कैम्स तो इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस होंगे ना तो स्कैम्स तो होंगे पर रिपोर्ट जल्दी हो जाएंगे ये रिपोर्ट ही नहीं हुआ स्कैम बाद में ये कंपनी को ना सत्यम कंप्यूटर टेक महिंद्रा ने खरीद लिया था एक्वायर कर लिया था आप गूगल पे जाके उसका देखोगे तो आपको स्कैम मिलेगा इसलिए ऐसे स्कैम्स की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है ओके इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ना उसी शेयर होल्डर्स क्या होता है बेसिकली शेयर होल्डर्स ना इनएक्टिव रहते हैं आपने फॉर एग्जाम्पल आपने इन्फोसिस कंपनी के पांच शेयर खरीदे तो क्या इन्फोसिस के हेड ऑफिस बैंगलोर में जाके रोज जाओगे क्या मैनेजमेंट देखने के लिए वो बोलेगा भाई ऐसे तो हजारों शेयर होल्डर है शेयर होल्डर मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेता शेयर होल्डर पूरे किस पे डिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर मैनेज करेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली करेंगे बराबर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करेंगे तो शेयर होल्डर को भी भरोसा रहेगा भाई मेरा पैसा सेफ है वरना शेयर होल्डर को ट्रस्ट नहीं आएगा इन जनरल शेयर होल्डर इनएक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ दियर कंपनीज दे ओनली अटेंड द एजीएम पोस्टल बेरोडा स्टिल एबसेंट इन इंडिया प्रोक्सीज आर नॉट अलाउड टू स्पीक एजीएम आपको पता है क्या होता है एन्युअल जनरल मीटिंग एवरी वन एजीएम मीटिंग आप सबको पता है क्या होता है? क्या होता है एजीएम का मीटिंग यस एवरी वन क्या होता है साल में एक बार होता है शेयर होल्डर्स का मीटिंग साल में एवरी शेयर होल्डर इज इन्वाइटेड बराबर है उसमें रेजोल्यूशन पास होते हैं और शेयर होल्डर को बोलने का बैलेंस शीट ये सब बताता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बैलेंस शीट वो सारा है उसमें डिविडेंड भी डिक्लेयर होता है उसमें भी साल में एक बार होता है उसमें अपना ओपिनियन रख सकते है उसमें भी क्या होता है कभी कभी कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मैं प्रॉक्सी अपने बदले किसी और को भेज सकता हूँ बराबर तो उसको भी मीटिंग में बोलने का अलाउड नहीं है ओनर बोल सकते है, अगर वो नहीं है तो उसके बदले कोई बोल नहीं सकता तो भाई उसकी राइट्स कहाँ है साल में एक ही बार आ रहा है मैंने कंपनी में मीटिंग में वो भी अगर वो नहीं आ पा रहा तो कोई और बोल भी नहीं सकता तो उसको कैसे ट्रस्ट आएगा कॉरपोरेट गवर्नेंस के थ्रू ट्रस्ट आएगा इसलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस इतना इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइज़ व्हाट डू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन आज पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन गया है बाहर 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 की कंपनीज भी इंडिया में इंडिया में में आके आके बिजनेस कर रही है 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 नेस्ले हो गया का का कंपनी कंपनी कि नहीं काम कर रहा है ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज है सर बराबर अब बाहर की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है तो उनको पैसा चाहिए बिजनेस रन के लिए तो बाहर से पैसा भी आ रहा है पैसा बाहर से कब आएगा कब आएगा जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो होगा अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कोई बाहर का कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा क्या या कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा क्योंकि वो बोलेगा तो 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 बाहर से पैसा आए एफ डी आई फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आपने पैसा लगाए तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा क्लियर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज़ आर सेलिंग गुड्स इन इंडिया इन ग्लोबल मार्केट सो हैव टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंडमर्सोटोरेट ग्लोबल उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे किसी कंपनी को एक्वायर कर दिया दो कंपनी मर्ज हो गई बराबर अमाल गमेशन होता है मारुति सुजुकी ऐसे। हीरो होंडा है बहुत सारे एग्जाम्पल है तो जब ये मर्जर्स होते हैं दो कंपनी आती है तो दोनों कंपनी किस कॉन्फिडेंस में आती है उनके शेयर होल्डर साथ में क्यों आता है कि भाई इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे लोगों का पैसा सेफ है अदरवाइज वो भी साथ में मर्जर्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे सेबी सेबी का नाम सुना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे कैपिटल मार्केट को इंडिया का पूरा कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट जो भी है बराबर वो पूरा कंट्रोल कौन करता है सेबी जैसे हमारा करेंसी बैंकिंग को कौन कंट्रोल करता आर है आरबीआई वैसे एक एजेंसी कौन है से कॉन्फिडेंस आपके वहां क्या होना चाहिए, चाहिए? प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए वरना आपको एक कंपनी पता होगी सहारा रॉय शुभ्रोतर विच वॉज बिहाइंड तो वो बेल पे कोई हाथ डालने को तैयार नहीं इतने बड़े लोगों पे सेबी ने उन पे केस डाला था सेबी ने इंक्वायरी निकाली थी और सेबी के वैसे पीछे गए तो आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो इतनी बड़ी कंपनी पे अगर एक्शन लिया लिया जा सकता है तो किसी पे भी आप एक्शन ले सकते हो okay? ओके तो ये सारे आंसर्स मैंने आपको करा है अब इसको छोड़ के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो आप लिख दो या मार्क कर दो ये तो मैंने जितने करा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस कराया ऑब्जेक्टिव करवाया वो पांच मैंने एथिक्स प्रोडक्शन ये सब करा है, वो तो करना ही है ये तो सात क्वेश्चन आपको करना है वो पांच और ऑब्जेक्टिव और ये तो करना ही है इसको छोड़ के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसको छोड़ के भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं कौन से क्वेश्चंस है मार्क करो या लिख दो एक लिखो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेज नंबर फोर्टी आपके बुक का प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस उसके बाद मार्क करो पेज नंबर फोर्टी टू पे बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी एग्जाम में आ सकता है बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको बता दिया बाकी सारी चीजें वैसे ही आप पढ़ सकते हो खुद से बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसके बाद रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 43 पेज नंबर 47 ऑडिट कमिटी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आया हुआ है ऑडिट कमिटी और एक और आंसर है फेलियर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस ये इतने आंसर्स आपको पढ़ने हैं जितने मैंने करा है और अभी जो मैंने आपको बताया एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस ये सारे आपको करने हैं ओके तो आज यहां पे मैं स्टॉप करूंगा कल एक नया लेक्चर रहेगा बराबर आपका थर्ड चैप्टर वो मैं आपको सॉल्व करूंगा ओके बाय आई होप आपको समझ में आया हो जितना मैंने करा है बाय कोमल बाय बाय जयंती